पैरामेट्रिक का इज द लास्ट वन, पैरामेट्रिक का होगा दो इक्वेशन के फॉर्म में, x इज इक्वल टू f1 t, y इज इक्वल टू f2 t, मतलब x t में होगा और y t में होगा, यही है सर टाइप जो दो इक्वेशन आते हैं ना, अगर कार्टेशियन का है तो आपको पता होगा y स्क्वायर टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ऐसा रहता था सिग्नल। दूसरा था पोलर देखो फर्क जानो फर्क समझो तो आपको भी अच्छा लगेगा समझ। देखो जब हमने कार्टेशियन कर्व देखा था तो ऐसे एग्जांपल थे वाई स्क्वायर टू ए माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाला था, ऐसा था है ना। फिर बाद में हमने पोलर कर्व देखा था, पोलर कर्व अगर आपको याद है तो क्या था भाई आर इक्वल टू वन प्लस कॉस थीटा, ऐसे आर इक्वल टू इनटू वन प्लस कॉस थीटा। और अगर आपको रोज कर्व याद है तो रोज कर्व क्या लिखा था आर इक्वल टू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा, फर्क समझो। ऐसा अगर आया तो आप पहचान लेना कि वो कार्टेशियन कर्व, ऐसा आया पोलर कर्व, ऐसे आया रोज कर्व, और अगर पैरामेट्रिक कर्व लेगा तो क्या रहेगा x इज इक्वल टू t के फॉर्म में और y इज इक्वल टू t रहेगा। ऐसे दो थे एग्जाम्पल, और कुछ ऐसे अलग एग्जाम्पल थे जो x इज टू टू बाई थ्री प्लस y इज टू टू बाई थ्री इज इक्वल टू एट इज टू टू बाई थ्री, ऐसे रहेंगे तो ये भी आपको देखने में आ जाएगा कि अरे ये दो पैरामेट्रिक कर्व है, ठीक है समझाए। और आप लोगों को बता दूँ एग्जाम में कैसे आएगा, मैं बता देता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर फोर में आएगा भाई ए है मान लो वन एंड टू, या आता है सॉल्व एनी वन कोई वन आता है। ऑप्शन में आएगा कैसे आपके सामने कार्टेशियन कब आएगा या पैरामेट्रिक कब आएगा, पोलर कब आएगा या रोज कब आएगा, लेकिन हमें चारों करके ये चारों करने का फायदा छठे यूनिट में होता है, इसलिए हमें चारों करके तो आपका कोई भी आओ चारों कर समझ रहे ना। ओके इसमें मैं आपको प्रायोरिटीज नहीं दे रहा हूँ कि ये करने ये करना चारों करो क्योंकि छठा यूनिट में उसका फायदा होगा। ओके चलो रूल वन है पहले आपको समझा देता हूँ, हम लोग याद करेंगे। रूल वन है लिमिटेशन अलग आ गया, रूल टू है सिमेट्री उसमें पॉइंट्स है, रूल थ्री है, रूल फोर है स्पेशल पॉइंट।